अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी कीमत कितनी है। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आप सभी लोग जानते हैं मेरे पीछे और सारा कुछ देख के आप लोग समझ गए होंगे, सीजन चल रहा है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए और बतानी चाहिए आप सभी लोगों को, मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक्चुअल में सबसे ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि आज जिस पेट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये टर्टल, टॉर्टाइज और ऐसी प्रजातियाँ हैं जो इंडिया की और इंडिया के बाहर की भी हैं, जिनके लिए जिनका आप लोगों को बताऊँ बचाना और सेव रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है स्पेशली इस वर्ल्ड की, और अगर आप लोग इसे अपने घर पे रखे हुए हैं, चाहे वो लीगल हो या आप कहीं से खुद ख़रीद के लाए हों या कहीं से इम्पोर्ट किए हों, वो तो मैं नहीं जानता कि आप कैसे उसे रखे हुए हैं, बट उसे अब उसका केयर करना, उसको जितने अच्छे तरीके से आप रखेंगे, उसको जितनी सुविधाएँ होंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं बात कर रहा हूँ, समझ सकते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं, कुछ चीज़ें ध्यान देनी। एक देखिए, स्टार्ट होते हैं यहाँ पे टॉपिक की कछुए, तो देखिए खाने तो ऐसे बहुत ज़्यादा, तो गर्मी का सीज़न रहता है तो भी नहीं खाते। दूसरा, बहुत सारे ऐसे होते हैं ठंड आते आते खाना खाना बंद कर देते हैं। तीसरा ऐसा होता है कि टर्टल स्टैंड, आप पैसा भी लगा लो टर्टल स्टैंड पे वो बैठते ही नहीं है, कमेंट करके बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे टर्टल बॉक्स आते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, टर्टल को बैठने के लिए बना रहता है, ऐसे पानी रहता है, बट इस पे भी ये पानी में ही दौड़ता रहेगा टर्टल, इसके ऊपर भी जाके नहीं बैठता, या बैठ भी जाएगा तो खाना खाने नहीं आएगा। ऐसी प्रॉब्लम होती या नहीं होती आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज इसका मैं पूरा सोल्यूशन दे रहा हूं, एक चीज़ मिस में और बताऊंगा जिसकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। आप लोगों ने देखा होगा फिल्टर के ऊपर टर्टल बैठता है, फिल्टर, पावर फिल्टर, पावर हेड के ऊपर भी कछुआ बैठने लगता है। पावर हेड में समझ रहे हैं जो पावर फिल्टर होता है उसके ऊपर कछुआ बैठने लगता है, पावर हेड के ऊपर भी कछुआ बैठने लगता है, लेकिन टर्टल स्टैंड के ऊपर नहीं बैठता, आपके कांच की स्टैंड के ऊपर नहीं बैठता। ऐसा क्यों? स्टार्ट करता हूँ मैं उसके रीज़न से। ये स्टार्टिंग तब होती है जब आप ठंड के सीजन में टर्टल खरीदते हैं, यदि आपको ठंड के टाइम में टर्टल बीमार हो जाता है। कछुआ जो होता है उसकी स्केल और उसके जो नेचुरल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो मिट्टी के नीचे रहता है और एकदम थोड़ा सा गहराई वाली जगह में, जिसकी उसको थोड़ा सा जो तापमान चाहिए होता है, थोड़ा सा गर्म तापमान या थोड़ा सा ठंडी जगह उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कई बार आप तालाब वाला आपके किनारे देखेंगे ठंड के टाइम में बाहर निकल के धूप लेते हुए देखे जाते हैं, पाए जाते हैं अपने यहाँ इंडिया में और कई गांव वगैरह में। एक्चुअल में उन्हें अपने हिसाब से रहना और थोड़ा सा हाइट प्लेस में रहना, उसके साथ में टेम्परेचर भी उनको अच्छा चाहिए होता है। ठंडी के टाइम में क्या होता है, पानी पूरा ठंडा हो जाता है और जो पावर फिल्टर लगा हुआ होता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पावर फिल्टर से, पावर फिल्टर जब चलता है तो उसकी जो मोटर रहती है उसके चलने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, थोड़ा सा उसकी फाइबर होती गर्म हो जाती है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो पानी का थोड़ा सा हॉट रहता है, जिस जैसे कंटिन्यू टर्टल आपका चाहे ठंडी हो गर्मी उसी फिल्टर के ऊपर ही बैठने की कोशिश करती है, उसी टर्टल के पास जाता है, फिल्टर के पास में ही भटकता रहता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप लोग पूछ रहे होंगे इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए अगर ऐसा टर्टल आपका कर रहा है, आपको अपने कुएं में एक हीटर लगाना है। हीटर ये होता है, ये एक्वेरियम का हीटर होता है, आपको इंसानों वाला पानी गर्म करने वाला हीटर नहीं लगाना है, वो अलग होता है, इमर्सन राड बोलते हैं उसको। ये थर्मोस्टेट होता है, एक्वेरियम के हीटर के नाम से भी होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, वाटरप्रूफ होता है। इसको आपको लगाना है और टेम्परेचर करना है 32 डिग्री सेल्सियस। जैसे पानी आपका गर्म होगा, जैसे आपको जो फिल्टर का टेम्परेचर होता है वो भी लगभग 30-32 के आसपास होता है, ऐसा मैंने परफेक्टली चेक नहीं किया है, बट आपका फिल्टर का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम होगा तब आपके टर्टल को लगेगा कि हाँ अब सही है। फिर वो चाहे फिल्टर हो या आपका टर्टल स्टैंड हो, जब उसे जो भी अच्छी जगह मिलेगी, जो भी समतल होगी अच्छा होगा, उस पर जाकर वो बैठना स्टार्ट कर देगा। और ये तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बता दी फिल्टर के लिए, आप लोग मुझे कमेंट भी नहीं किए थे, क्वेश्चन भी नहीं किए थे, बट मैं जैसे कि एक खुद एक्वेरियम शॉप का काम करता हूँ, एक्वेरियम की सर्विस करता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट कस्टमर और डायरेक्ट प्रॉब्लम फेस किया करता था, उसमें रिसर्च के बाद मेरे पास ये चीज़ें सामने आई जो मैंने रिसर्च किया आप लोगों के लिए। अब आते हैं अपन लोग बात टर्टल को ठंडी में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली हैं। लगाना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसको बीमारी ना हो कोई और ठंड की वजह से कुछ ना लगे, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टर्टाइज वगैरह होते हैं जो कि पानी में नहीं रहते, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं इसका फोटो, ये पानी में नहीं रहते, ज़मीन पर रहता है। अब इसके लिए चाहिए होगी आप लोगों को एक यूवी लाइट, चाहे ये हो और चाहे आप टर्टल स्टैंड लगा लें, लेकिन ये मोस्टली जो यूवी लाइट होती है वो इस टर्टल टर्टाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। वो यूवी लाइट का मैंने पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग का वीडियो आप लोगों को दिखाया था,
आज मैं इसको पूरी तरीके से ऑन करके और इसका पूरा रिव्यू दे रहा हूँ और चेक करवा रहा हूँ कि कैसे वर्क करती है। टर्टल हो, टर्टाइस हो, कुछ भी, आप लोगों को बाउल में कभी भी नहीं रखना है गलती से भी। टर्टल का बॉक्स है, आप मिनिमम इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं ट्रेवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी इस बॉक्स को, नंबर वन। और नंबर टू, आपकी छोटा टर्टल टर्टाइस अगर आप इसका रोज़ पानी चेंज कर सकते हैं तो इसमें रख सकते हैं, बिकॉज इनको पानी फ्रेश चाहिए होता है, काफ़ी अच्छे पानी में रहते हैं। नंबर थ्री, आप लोग इसका व्यू लें पहला तो, एक है कैसा, इस पर ऐसे एक क्लिप लगा हुआ है पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए। और ये जो है इसका वायर वाला सिस्टम, प्लग इन सिस्टम, वो कुछ ऐसा है। इस पर जो ये बल्ब लगा हुआ है यूवी, ये रिमूवेबल है और ये 50 वाट का होता है, 50 वाट का है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें ऐसा होल्डर लगा हुआ है और इस सिरेमिक लगी हुई है जिससे करंट वरेंट ना आए। और आप इसे ऐसे फंसा सकते हैं इस पर, ये जो बल्ब होता है ये ऐसे ही बॉक्स के अंदर ऐसे पैक होता है। इसे हम लोगों को मैनुअली सेट करना पड़ता है, इसे मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि कल को आप नया ये लें कहीं से, ऑनलाइन मंगाएं या कुछ भी करें या हम ही से लें, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये चूड़ी वाला होता है, इसे घुमा घुमा के इसे सेट करना होता है। कुछ ऐसे यूँ, और थोड़ा सा आराम से, बिकॉज ये थोड़ा सा नाजुक भी होता है सिरेमिक। ऑन करते हैं और इस पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इससे आप इसकी रोशनी तेज धीमा, और डिपेंड करता है आप कितने बड़े एरिया में इसे यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल प्लेस है या बिग प्लेस है, स्मॉल टॉर्टाइज है या बिग टॉर्टाइज है। ये चीज़ आप इगुआना हो गया, टर्टल टॉर्टाइज हो गए और स्कॉर्पियन हो गए, ऐसे कई सारे पेट्स होते हैं, टरंटुला मकड़ी वगैरह हो गई, स्पाइडर्स, उन सभी में काम आएगा, बिकॉज ये सनलाइट का काम करता है। इसे थोड़ा हीट हो रहा है, मैं आप लोगों को इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ, इसका टेम्परेचर इतनी लाइट में कितना, मैं थर्मामीटर लगाता हूँ एक मिनट आप लोगों के सामने। अभी मैं रॉक्सिन का ये एक डिजिटल वाला वो फरी पारा वाला थर्मामीटर है उसे निकाल रहा हूँ आप लोगों के खिदमत में, और एक मैं निकालता हूँ थर्मामीटर स्टिकर वाला है नहीं तो उसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कमी होता है, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस तक है, तो इसी के इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो रुका हुआ है आप लोग देख सकते हैं 21, 22, 23 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, आप लोग देख सकते हो। अब इसे हम रख रहे हैं इसके नीचे आपके यूवीवी लैंप के, ये उन कछुओं के लिए बेहद उपयोगी और स्पेशल है जो कछुए आपके पानी में नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें इसका फ़ोटो भी बना है, UVA प्लस UVB 3.0 लाइट है, और इधर तरफ इसमें रेडियल स्लाइडर का भी चित्र बना हुआ है। इसका मतलब ये उफ कछुए के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, मतलब आपके एक्वेरियम में भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस कंपनी के बॉक्स के लोगों के हिसाब से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका टेम्परेचर देखते हैं कि कहाँ तक गया रहा है, अगर इससे कम ये थर्मामीटर से ओवर होगा टेम्परेचर, एक मिनट सॉरी, मैं इसका पारा वाला सिस्टम यहाँ पर रख देता हूँ और फिर देखता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मीडियम में रखता हूँ इसकी लाइट, क्योंकि रेगुलेटर में जैसे यहाँ पे एकदम लो, थोड़ा से मीडियम करता हूँ, जैसे फुल हो गया, फुल से कम कर देते हैं। अब देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस देखते ही देखते क्रॉस कर रहा है, जबकि मैं इसे फुल भी नहीं किया हूँ। इसका मतलब कि आपको इसकी हाइट और इसका सिस्टम काफ़ी अंदाज काफ़ी ध्यान से रखना है। 33 पहुँच चुका है, आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग सामने लाइव टेम्परेचर चेक करवा रहा हूँ, ये आप ही देख लें, हाँ ऐसे करने पे आ रहा है
अभी इसका टेम्परेचर 35 जा चुका है। अभी मैं और थोड़ा सा तेज कर दिया हूँ रोशनी, फिर चेक करते हैं। ये टेम्परेचर देख सकते हैं आप लोगों के सामने भागता ही जा रहा है, और लाइव है, टेस्टिंग चालू है। ये अभी मैं फुल कर दिया हूँ, अब 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। वो भी इसको टाइम लगा है मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुआ है, और 40, 41, 42, 43, 44 डिग्री चला गया। मैं कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, नहीं तो ऐसा होता है कई बार, मैंने सुना है कि फिर ये थर्मामीटर टूट भी जाता है। आप लोग देख सकते हैं थर्मामीटर अपने फुल पावर में है। तो अब आप समझ सकते हैं आपके पास कितना भी छोटा टर्टल हो, टर्टाइज हो, उस पर ये UVV प्लस लाइट कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। और ये 100% सनलाइट का काम करेगा, बिकॉज़ ये सनलाइट जैसी हीटनेस दे रहा है, इसका जो कलर है वो भी सनलाइट के ही जैसे है, ना कि नीला, ना कि पीला, ना कि वाइट प्लस नीला। इसमें हीट है, मैं हाथ लगाऊं तो मेरे हाथ में भी जलन हो रही है हल्की सी। इसे कृपया आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाना है, आप मान के चलें कि मिनिमम 6 इंची टू 1 फीट की हाइट पे होना चाहिए। मतलब इस बॉक्स में यूज करने का सजेशन नहीं दूंगा कि कहीं हो सकता है ये आपका बॉक्स भी ना पिघल जाए, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा, जो आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोगों के टॉपिक जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका आप लोग पूरा और ध्यान में देख लीजिए। अब अपन लोग आते हैं टर्टल स्टैंड पे। ये एक्चुअल में कोई एक्वेरियम नहीं है, और ना ही कछुए के रखने लायक कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कछुआ घर या मछली घर है जिसमें आप कछुआ रख सकते हैं। बट इसी प्रकार से अगर आप जहाँ पे कछुए का स्टैंड लगाते हैं, टर्टल स्टैंड, उसके बगल में आपको ऐसे क्लिप में फंसाना है, एक्वेरियम में जैसे आप यहाँ फंसाएंगे पीछे तरफ और टर्टल स्टैंड लगाएंगे पीछे तरफ, इसका मुंह करेंगे इसके ऊपर। अब कछुए की जब ठंडी लगेगी, ये जगह भी गर्म हो जाएगी, तो वो अपने आप, ये नहीं कि आप तुरंत लगा दिए तुरंत ही वो आके दौड़ के आएगा, लाइट देखेगा, बैठ जाएगा। मतलब उसे हो सकता है टाइम लग गया, हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, थोड़ा सा हो सकता है वो डरा हुआ होगा, तो एक आध दिन का भी समय लगा सकता है, 2 दिन का भी टाइम लगा जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा उसे कुछ तकलीफ़ है तो। अगर तकलीफ़ ठीक होगी, अगर उसे कुछ तकलीफ़ है तो, उसके बारे में हम लोगों ने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वीडियो लिस्ट पे जाएंगे तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को भी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब तो करते ही। इसके साथ में मैं कुछ जानकारी आप लोगों को और देना चाहता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी कीमत कितनी है। मुझे पता है आप लोग इसके पहले ही बहुत बार कमेंट कर चुके होंगे, मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा, है कितने का। तो ये इसकी कीमत है वो 800 रुपीज़ का है। 800 रुपीज़ इंडियन करेंसी का मैं रेट बता रहा हूँ, जो कि अगर आप लोग मेरे से लेना चाहेंगे तो उसमें 100-150 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज भी लगेगा। आप लोग इंस्टाग्राम में इसका मैसेज लिख के भेजना और अपना एड्रेस भेजना है। COD अवेलेबल नहीं होती मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे हम लोगों को कितने घंटे, कितने दिन या लगातार चालू करके रखना है, कितना रखना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़ खास, कि आप लोग इसका बॉक्स लेंगे तो इसके अंदर कोई मैनुअल और कुछ है नहीं, आप लोग देख सकते हो, और इसका सामान रहता है। इसके लिए हम लोगों को इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग एक टर्टल टॉर्टाइस के लिए चीज़ खरीद रहे हैं, मतलब वो जीती जागती चीज़ है, मतलब इस हमारे अर्थ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रहने वाली चीज़ है, तो उस पर हम लोगों के हिसाब से ही टेम्परेचर और थोड़ा सा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मतलब कि कुछ अपने हिसाब से समझ लेते हैं, कंटिन्यू धूप में ना रह पाएंगे हम लोग, ना कंटिन्यू ठंड में रह पाएंगे हम लोग। हम लोगों को एक संतुलन बनाना है, बहुत ही तरीके से हम लोगों को अपने कछुए के लिए लाइट का भी संतुलन बनाना है। उस संतुलन को बनाने के लिए आप लोगों को जो इसकी लाइट का समय सीमा रखनी है वो 4 घंटे मैक्सिमम रखिए, 4 से 5 घंटे की। और आप लोग उसे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जैसे 15-20 मिनट आप तेज कर दिए, फिर धीरे 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 करके, जैसे सबसे कम लोग भी करके आप इसे रख सकते हैं 3-4 घंटे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 10-12-24 घंटे रख रहे हैं, ऐसा कहीं भी धूप नहीं होता और ऐसे किसी भी एटमॉस्फेयर में कोई भी जानवर नहीं रहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी मैं देना भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे AC करंट से चलता है, DC से नहीं चलेगा, और ये बैटरी से भी नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।